अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलकश निगार हूँ और मैं आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। हफ्ते में एक बार साबुन के बजाय मीठे सोडे से बनी रेमेडी से नहा लें, गर्दन हाथ पांव समेत जिस्म का हर काला हिस्सा निखर जाएगा। आपने करना यह है कि आप ले लें एक साफ प्याली और इसमें आपने डालने हैं 2 चम्मच बेसन के, खालिस बेसन होना चाहिए। ये 2 चम्मच मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि ये जिस्म के हर काले हिस्से पर लग जाए, क्वांटिटी इसकी इतनी बने। फिर आप इसमें मिलाएं 1/2 छोटा चम्मच मीठा सोडा, बेकिंग सोडा आपने लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना, 1/2 छोटा चम्मच ही नमक का इसमें मिलाएं। ये रेमेडी आपने फेस पर यूज नहीं करनी है, बाकी जिस्म के हिस्सों पर यूज करें। इसके बाद आप इसमें नीम गरम दूध डालें, यानी इतना आपने इसमें नीम गरम दूध मिलाना है कि ये जब आप इसको मिक्स करें तो अच्छी तरह तमाम चीजें यकजान हो जाएं और मीठा सोडा क्रीम ये बनेगी बहुत ही प्यारे कलर की, जिस्म के हर काले हिस्से को निखारने के लिए बेस्ट है। आप ये करें कि ये क्रीम लें और इसको मसाज करते हुए लगाएं। 5 मिनट तक मसाज करना है हाथों पर, कोहनियों पर, जिस्म का जो काला हिस्सा हो, गर्दन का तक, और 5 मिनट के लिए ऐसे ही स्किन को छोड़ दें। इसके बाद आप किसी अच्छे हर्बल साबुन से नहा लें या जो भी साबुन आप घर में यूज करती हैं वो यूज कर लें। आप यकीन करें कि सिर्फ एक बार के ही इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाथ पर मैंने ये रेमेडी अप्लाई की है और आप खुद रिजल्ट देख लें। ये हफ्ते में एक बार जरूर आप इस तरीके से नहाएं तो आपको कोई भी क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी और आपके जिस्म के जो डार्क पार्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा फेयर होना शुरू हो जाएंगे। फेस के लिए ये नहीं है और जब भी इसको बनाएं तो न्यू बनाकर लगाएं। सो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।